अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन कॉर्नर। तो कैसे हैं आप? तो मेरी तरफ से सबको ईद की खुशियां, बहुत बहुत सबको ईद मुबारक। तो आज मैं आपको ईद स्पेशल में बनाना सिखाऊंगी शीरा कोरमा, जो सब घरों में स्वीट डिश में बनता है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ बोल मैंने बारीक सेवियों का लिया है, 2 चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो 3 हरी इलायची ली हैं, 1 किलो मैंने दूध लिया है, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। तो बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे और दूध डालेंगे। तो दूध में हरी इलायची डाल देंगे और इसको एक अच्छे से बॉयल आएगा आने का वेट करेंगे। तो दूध को बॉयल आ गया, अब हम चीनी डालेंगे और दूध को इतनी देर पकाएंगे कि ये आधा हो जाए। तो दूध पककर आधा हो चुका है, 1 किलो दूध था जो आधा किलो हो गया। तो फ्लेम ऑफ करेंगे, पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको रोस्ट कर लेंगे। इनको इतनी देर हम रोस्ट करेंगे कि अच्छे से सोगी हो जाए। तो पिस्ता बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो पिस्ता बादाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब इसी ऑयल में हम 1 चम्मच और ऑयल डालेंगे। सेवियाँ डालेंगे, तो सेवियाँ को भी हमने अच्छे से भून लिया 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। आप फ्लेम ऑफ करेंगे और इनको निकाल लेंगे। तो उसी दूध में हम सेवियाँ डाल देंगे जो हमने अच्छे से बॉयल किया था। मिक्स करते जाएंगे, रोस्ट ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो 3 से 4 मिनट और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो शीर कोरमा हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो तैयार है मज़ेदार, बहुत ही यमी सा शीर कोरमा। तो आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बनता है। तो अगर मेरी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।